नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो ये है कि बहुत भाई के मन में ये कन्फ्यूजन होता है कि हमारे किसी भी एम्पलीफायर में अगर एक कैपेसिटर लगा हुआ है और वहाँ पर हम एक और कैपेसिटर को इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो वहाँ पर हमारा जो एम्पलीफायर है उसकी जो पावर है वो इंक्रीज हो जाएगी और उसका बेस जो है वो अच्छा आएगा। तो यहाँ पर देखिए वो किस एम्पलीफायर के साथ होता है। देखिए, जैसे कि आपने कोई एक लोकल एम्पलीफायर लिया है तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत से भाई जो हैं एम्पलीफायर के अंदर 2200 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगा देते हैं तो वहाँ पर वो उसको जो है आवाज़ नहीं मिल पाती। और बहुत से भाई क्या करते हैं कि पैरेलल में जब एक कैपेसिटर और कनेक्ट कर देते हैं तो वहाँ पर आवाज़ जो है थोड़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। आज हम यही टेस्ट करेंगे कि ये जो एक कैपेसिटर लगा हुआ है और हमें आउटपुट पे कितनी वोल्टेज देखने के लिए मिलती है और जब हम दो कैपेसिटर को लगा देंगे तो वहाँ पर हमें आउटपुट कितनी देखने के लिए मिलेगी, यानी कि हमारा कैपेसिटर लगाने का जो फ़ायदा है वो सही रहेगा या गलत रहेगा। तो हम पूरा प्रैक्टिकल करेंगे। अब यहाँ पर ये देखिए, मेरे पास ये एम्पलीफायर है और यहाँ पर मैंने 15 किलो हर्ट्ज का एक जो हमारा यूट्यूब से सॉन्ग है वो निकाल के इसमें डाल रखा है। और अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक हम लेंगे बूफर, वूफर के कनेक्शन जो है हम सीधा स्पीकर पॉइंट पे कर देंगे। ये देखिए, तो ये मैं यहाँ लगा देता हूँ, कोई सा भी आप कहीं भी लगा सकते हैं, रेड और ब्लैक, क्योंकि जब हम सिंगल स्पीकर चला रहे होते हैं एम्पलीफायर पे तो हमें नेगेटिव और पॉजिटिव देखने की ज़रूरत नहीं है और जब हम डबल स्पीकर चलाएंगे तो वहाँ पर हमें देखने की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर हमारे पास मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर हमने AC 200 की रेंज में रख दिया क्योंकि जो स्पीकर आउटपुट होती है वहाँ पर AC वोल्टेज आती है क्योंकि उसके अंदर कोई भी नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होता। अब ये देखिए, ये हम यहाँ रख देते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हम लगाएंगे क्लैंप, ये हमने ब्लैक लगा दी और ये हमने रेड लगा दी। अब यही मल्टीमीटर के जो वायर है दोनों, ये हम स्पीकर पॉइंट पे लगा देंगे। ये हमने लगा दिया ब्लैक और ये हमने रेड। अब यहाँ पर अभी हमारा जो एम्पलीफायर है वो बंद है। अब मैं इसको प्ले करता हूँ तो यहाँ पर 15 किलो हर्ट्ज पे जो हमारी वोल्टेज आ रही है वो आ रही है 11.1 और 2 के आसपास, ये देखिए, और हमारा स्पीकर भी चालू है और हमारा यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है सिंगल। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि कैपेसिटर को डबल कर देते हैं और डबल करने के बाद देखते हैं कि ये जो आउटपुट वोल्टेज है ये बढ़ती है या नहीं बढ़ती। अगर बढ़ेगी तो हमें कैपेसिटर लगाने की जरूरत है और नहीं बढ़ेगी, मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब देखिए, अब हम यहाँ पर एक कैपेसिटर और लगाएंगे और देखेंगे कि ये जो हमारी वोल्टेज है इसको अंदर थोड़ा इंक्रीज होता है नहीं होता। अगर यहाँ पर वोल्टेज बढ़ेगी तो हम कैपेसिटर एक और लगा सकते हैं और यहाँ पर ये सेम ही वोल्टेज रहेगी तो हमारे कैपेसिटर लगाने का कोई फायदा नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, हमने पैरेलल के अंदर दो कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया है। ये देखिए, एक कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर ये। अब मैं एम्पलीफायर को ऑन करता हूँ। यहाँ पर देखिए एम्पलीफायर हमारा ऑन हो गया और यहाँ पर देखिए वही 15 किलो हर्ट्ज का सॉन्ग चल रहा है, कोई भी चेंजिंग नहीं है। कैपेसिटर यहाँ दो लगे हुए हैं, वोल्टेज भी सेम है, कोई भी इंक्रीज नहीं है। अब ये ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कोई भी वोल्टेज में फर्क नहीं है और देखिए कैपेसिटर हमारे दो लगे हुए हैं। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब देखिए, ये मैं इसको बंद कर देता हूँ पहले। ये देखिए, मैंने इसको बंद कर दिया। अब यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि कैपेसिटर देखिए दो लगे हुए हैं पैरेलल में। अब यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ कि इसकी वोल्टेज जो है वो इंक्रीज क्यों नहीं हुई, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने पहले से ही 4700 का कैपेसिटर लगा रखा है तो हमारे एम्पलीफायर को पूरी पावर मिल रही है तो उसको और ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आप ये मत समझिए कि आपने अगर 5 कैपेसिटर लगा दिए तो आपके एम्पलीफायर की आवाज़ जो है बेस्ट हो जाएगी, नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफार्मर पहले ही 3 एम्पियर का लगा हुआ है और 1 एम्पियर पे आप जो है 1000 माइक्रोफेरेड लगा सकते हैं। यानी कि अगर ये 3 एम्पियर का है तो यहाँ पर 3300 या 3000 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगा सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर 4700 लगा हुआ है, यानी कि इसकी कैपेसिटी से पहले ही ज़्यादा लगा हुआ है तो हम और नहीं बढ़ा सकते। एक चीज़ हमेशा याद रखें, 1 एम्पियर पे 1000 माइक्रोफेरेड, 2 एम्पियर पे 2200 माइक्रोफेरेड, 3 एम्पियर पे 3300 माइक्रोफेरेड और 5 एम्पियर पे 4700 माइक्रोफेरेड का यूज होता है। अगर आप वहाँ पर ज़्यादा MFD का कैपेसिटर यूज करते हैं
आपके एम्पलीफायर के लिए तो बेस्ट है, वो भी लंबे समय तक के लिए। जैसे कभी अगर आपका एक कैपेसिटर थोड़ा वीक हो जाता है तो दूसरा कैपेसिटर जो है वहां पर यूज होता है, तो और इसी तरीके से दोनों कैपेसिटर मिलके चलते रहते हैं। लेकिन एम्पलीफायर पे कोई आपकी साउंड पे कोई फर्क नहीं आएगा। कि आप अगर सोचने लग जाएं कि हम एम्पलीफायर में अगर कैपेसिटर को डबल कर देते हैं तो वहां पर हमें साउंड देखने के लिए अच्छा मिल जाएगा। साउंड देखने के लिए तब अच्छा मिलेगा जब वहां पर कोई लोकल बोर्ड लगा रखा होगा और उसमें 2200 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगा रखा होगा और आपने ट्रांसफार्मर 3 एम्पियर का लगा रखा होगा। तो वहां पर क्या हुआ, ट्रांसफार्मर 3 एम्पियर का और आपका कैपेसिटर 2200 माइक्रोफेरेड का, तो वहां पर कैपेसिटर कम हो जाता है। तो इसी कारण अगर आप एक और कैपेसिटर लगाते हैं तो आपको साउंड देखने के लिए अच्छा मिलता है। तो दोस्तों मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को जरूर दबाना। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूंगा।